जगह जगह एहतजाज, शहर में ट्रैफिक का भी बुरा हाल। नबीन अफराद के एहतजाज के बाईस शिमला पहाड़ी के अतराफ ट्रैफिक दरहम भरहम। मॉल रोड, डेविस रोड, क्वींस रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें। मिनटों का सफर घंटों पर मोहित, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान की मौशी हालत बेहतरी की तरफ जा रही है, दुनिया बदलता हुआ पाकिस्तान देख रही है। इमरान खान का नए पाकिस्तान का विजन जल्द कामयाब होगा, हमने हमेशा मुस्बत किरदार को अहमियत दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब, तलबा में डिग्रियाँ भी तकसीम की। मजहबी मकामात पर सियाहत को फरोग देने का फैसला, मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारा और मजारों पर भी गैर मुल्की आ सकेंगे। बुद्ध मत के वर्षा के हवाले से भी सियाहों को मदु किया जाएगा, गवर्नर हाउस में मजहबी सियाहत और वर्षा कमेटी का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब, एडवोकेट जनरल, सदर हाई कोर्ट बार, डीसी लाहौर की खसूसी शिरकत, मेहमानों ने पौधा भी लगाया। डीसी लाहौर सालिया सईद कहती हैं, शहरी अपने हिस्से का फर्ज अदा करें, माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। बीवी पर तशद्दुद, सर के बाल काटने का मामला, गिरफ्तार मुलजिमान अदालत में पेश। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अस्मा की मेडिकल रिपोर्ट आने तक मुलजिमान को दोबारा जेल भेजने का हुक्म, काटे गए बाल बरामद कर लिए। पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। वकील अस्मा का बयान, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, अस्मा ब्लैकमेलर है, सबूत अदालत को दूंगा। मुलजिम फैसल की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू।